हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 कर रहे हैं। ये 28 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा सब टॉपिक है टीथ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। द फूड गेट्स ब्रेकन डाउन इन टू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ टीथ। इट हेल्प्स इन इजी इंजेशन एज वेल एज इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। फूड को हम माउथ में खाते हैं और इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन के बाद यह फूड छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी दांतों की हेल्प से तोड़ दिया जाता है। इससे फूड का डाइजेशन इजी हो जाता है। टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इंसीजर्स कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, कैनाइन पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, मोलर सेम एज प्रीमोलर चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। हमारे माउथ में बहुत टाइप के टीथ होते हैं। इनका अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे आगे वाले टीथ जो फ्रंटल टीथ होते हैं, ये इंसीजर होते हैं। इससे काटने में आसानी होती है। कैनाइन प्रेजेंट होते हैं इसके साइड में और ये थोड़े से पॉइंटेड टीथ होते हैं। इससे किसी भी चीज़ को हम टीयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। प्रीमोलर इसके साइड में होते हैं, ये थोड़े से वाइडर होते हैं। इस वजह से ये फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। मोलर सेम एज प्रीमोलर, लास्ट में थोड़े और भी ज़्यादा ब्रॉडर टीथ प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम मोलर बोलते हैं और ये भी च्यूइंग में हेल्प करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आवर माउथ हैज़ अ सैलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट्स सलाइवा। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। We can experience it if we chew a piece of bread for some time. When saliva gets mixed properly, it tastes sweeter. हमारे मुंह में salivary gland होती है जिससे saliva निकलता है। यह saliva इस food में present starch को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और sugar में convert कर देता है। इसको हम experience करके देख सकते हैं। अगर हम एक छोटे से piece को chew करके देखते हैं कुछ देर के लिए, कुछ time बाद इसमें जब saliva mix हो जाता है तो ब्रेड में प्रेजेंट स्टार्च छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यह स्वीट टेस्ट देता है। लेट अस डू इट एट आवर होम। इसे आप अपने घर पर करके देख सकते हैं। डेंटल केयर गुड हैबिट। वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश और दांतून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। सभी को अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए कम से कम 2 बार। जब भी खाना खाएं उसके बाद में इसको रिंस करना जरूरी होता है। क्वेश्चन, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली व्हाइल ईटिंग। It helps in easy ingestion as well in digestion of the food. How can we take care of our teeth? One should clean the teeth with a brush or dantun at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Write one function of each of the following salivary gland. Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Molar teeth. These help in chewing and grinding. Canine teeth. These help in piercing and tearing of the food. Saliva. This breaks down the starch into the sugars. आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।